राम राज्य समाजवाद तभी संभव है जब जाति जनगणना हो। उसका नाम, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब पूछे गया, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको शासन की योजनाओं का लाभ हर हाल में मिलना चाहिए। हम भेदभाव उस विशेष के साथ नहीं कर सकते। ऐसा प्रशासन जब रहेगा तो जन विश्वास का प्रतीक है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भाई, सोशल मीडिया पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का अलग अलग वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाई जाति जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक राम राज्य नहीं आएगा, और दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई प्रशासन ऐसा होना चाहिए जिसमें सबकी बात सुनी जाए, सबका जात नाम ये सब भूल कर। लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। राम राज्य समाजवाद तभी संभव है जब जाति जनगणना हो। जाति जनगणना होने के बाद ही सबका साथ सबका विकास होगा। जाति जनगणना से ही भाईचारा आएगा, जाति जनगणना से ही भेदभाव खत्म होगा, जाति जनगणना से ही लोकतंत्र मजबूत होगा, जाति जनगणना से ही समाजवाद आएगा, जाति जनगणना से ही राम राज्य आएगा। इस वीडियो को शेयर कर समाजवादी पार्टी लिखती है कि राम राज्य समाजवाद तभी संभव है जब जाति जनगणना हो। जाति जनगणना होने के बाद ही सबका साथ सबका विकास होगा, भाईचारा आएगा, भेदभाव खत्म होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कार्यक्रम में कहा कि जन विश्वास रहेगा तभी जो है एक बेहतर प्रशासन बन सकता है। हमारा प्रयास होना चाहिए अधिकाधिक संवेदनशील, जनता के प्रति संवेदनशील, एक गरीब के प्रति संवेदनशील। उसका नाम, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब पूछे गया, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको शासन की योजनाओं का लाभ हर हाल में मिलना चाहिए। हम भेदभाव उस विशेष के साथ नहीं कर सकते। ऐसा प्रशासन जब रहेगा तो जन विश्वास। इस वीडियो के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा गया कि ऐसा प्रशासन जब रहेगा तब वह जन विश्वास का प्रतीक बनेगा। हालांकि आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस वीडियो को लेकर तमाम लोगों ने कमेंट किया, कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, कुछ रोजगार वाले लोगों ने अपने रोजगार संबंधित समस्याएं बताई, और उसके बाद जो है उनको इस वीडियो का जवाब भी दिया। हालांकि ये सोशल मीडिया पर ये दोनों ही वीडियो वायरल है, और इसमें आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष गण के साथ जो है बैठे हुए थे, जहां पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी किया गया। ये सारा कार्यक्रम लखनऊ में हुआ। वहीं अखिलेश यादव आज ईद मनाने के लिए लखनऊ में निकले हुए थे, और इसी दौरान जो है मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये जाति जनगणना की मांग की, और साथ ही कहा कि तभी जो है वो राम राज्य उत्तर प्रदेश में संभव है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। इन दिनों उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात काफी ज्यादा की जा रही है। कांग्रेस ने एक वीडियो इसी बीच जो है शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने दावा किया कि बताइए उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर किस स्तर पर है। इस वीडियो के साथ यूपी कांग्रेस लिखती नजर आई कि यूपी में अपराधियों के बुलंद हौसलों के आगे घुटने टेक चुके लॉ एंड ऑर्डर की एक झलक आगरा से देखिए। यहां सरेआम हाथों में पिस्टल लहराते हुए दो मंचले बाइक से एक घर के दरवाजे पर फायरिंग करते हुए निकल गए। अब ऐसे गुंडे बेखौफ क्यों नहीं होंगे? यहाँ की पुलिस तो अंडों की गुणवत्ता जांच कर रही है। तो यहाँ पर यूपी कांग्रेस ने जो है पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा कि बताइए पुलिस क्या कर रही है, बेखौफ जो है बदमाश घूम रहे हैं, पिस्टल लिए जो है लोगों के घर पर फायरिंग कर रहे हैं। अब इसी वीडियो को जब उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया तो काफी हंगामा मचा, जिसके बाद आगरा पुलिस ने भी इस वीडियो का संज्ञान लिया और लिखा, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ताजगंज पुलिस टीम द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है व साक्ष्यों संकलन के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर पुलिस का कहना है कि पूर्ण रूप से जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी सैंपल हैं, उन सबको लिया गया और आरोपों के आधार पर एक मामला दर्ज कर लिया गया और जल्द ही इन बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से यूपी कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया और लिखा कि यहाँ पर बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, जरा देखिए, खुलेआम जो है सड़कों पर पिस्टल लहराते हुए फायरिंग करते हुए जा रहे हैं। इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर की बात काफी ज्यादा की जा रही है। तो भैया, इसी के साथ खत्म होता है आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। जाते जाते सुनिए कि अब यूपी से जुड़ी तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं यूपी तक की वेबसाइट पे, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, और तमाम ऐसे वीडियोज और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।